पहले तीमोथियुस तीसरा अध्याय है, 10 से 17 तक पढ़ेंगे। पहले दूसरा तीमोथियुस, सॉरी, दूसरा तीमोथियुस तीसरा अध्याय है, 10 से 17 तक। परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया, और ऐसे दुखों में भी जो अंता किया और इकुनियम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी हैं और विश्वास किया है यह जानकर दृढ़ बना रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। प्रिय भाई बहनों, इधर पौलुस तीमोथियुस को लिखते हैं, उधर कैसे एक एक कलीसिया में कैसे कैसे कार्य करना है, विशेष करके इधर एफिसियुस कलीसिया एफिसियुस शहर में पौलुस उनको रखा, और तुम उधर क्या क्या करना है। कलीसिया अलग अलग कलीसिया होगा, वो एक एक कलीसिया में क्या क्या अरेंजमेंट करना है, ये सब के बारे में इधर पौलुस लिखते हुए हम देखते हैं। इसमें विशेष करके आज का इस पोर्शन में पवित्र शास्त्र के बारे में पौलुस अच्छा से लिखते हैं, और इतना ही नहीं है, भक्ति भाव में जो जीने के लिए चाहते हैं वो लोगों के लिए क्या क्या प्रॉब्लम आएगा वो भी लिखते हैं। भक्ति के साथ जीवन बिताने के लिए चाहत रखते हैं उनके लिए क्या क्या सतावनी आएगा, इसके बारे में सतावनी आएगा करके उसके बारे में भी लिखता है। इतना ही नहीं है, पौलुस लिखते हैं जो वो जो वचन प्रभु का वचन उनके बारे में अध्याय में पिछले भाग में लिखा है, उसको पालन करने के द्वारा, उसको उसके आधीन रहने के द्वारा, उसको अपना जीवन में अपना चाल चलन में उपयोग करने के द्वारा, लागू करने के द्वारा जो जो सतावनी कष्ट उनका जीवन में आया उसके बारे में भी पौलुस लिखते हैं। मतलब एक उदाहरण के रूप में अपना आप को पौलुस उधर खड़ा करता है। इस भाग लिखने के समय में तीमोथियुस को पौलुस बताना चाहता है, तीमोथियुस तुम बचपन से तुम्हारा नानी जी लोविसा और तुम्हारा मम्मी आइनिके यूनिस, इंग्लिश में यूनिस, लोविसा यूनिस, लुइस और यूनिस, ये दोनों तुम्हारे लिए बचपन से लेकर तुमको कैसे एक एक प्रभु का वचन के बारे में तुमको सिखाए, तुमको इसमें अच्छा से समझ दिया, और उनको मनन करने के लिए जो भी करना है समझने के लिए बढ़ते बढ़ते तीमोथियुस का जीवन में उनके मम्मी और नानी जी दोनों बहुत काम किया। ये पौलुस कहते हैं, इसलिए तुम्हारा ऐसा नहीं है, तुमको पवित्र वचन की जानकारी नहीं है, ऐसा नहीं है,
बचपन से तुमको सब कई जानकारी है, उसके द्वारा तुम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके, तुम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके उद्धार पाए। अभी उद्धार पा लिया, अभी तुम कई वचन तुम्हारा अंदर गए, लेकिन ऐसे हम नहीं जी सकते हैं, उसको लागू करना है हमारे जीवन में, अनुभव में लेके आना है, उनके लिए आदिन रखना है, जो परमेश्वर का वचन कहता है उसको मानना है। कितने वचन प्रभु हमारे लिए लिखे दिया है, कई मसीह लोग भी उनको मानते नहीं हैं। जब समय आएगा उसको मानेंगे नहीं, तब तक बोलते रहेंगे मैं प्रभु का बच्चा हूँ, प्रभु का इच्छा करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। लेकिन जब समय आएगा प्रभु का वचन को पालन करने के द्वारा, उसको मानने के द्वारा कुछ कष्ट मुसीबत कुछ नुकसान आता है तो तुरंत उसको नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। पौलुस कहते हैं तुम ऐसे नहीं रखना है, तुमको अच्छा से वचन मालूम है, लेकिन तुम उनको पालन करके उसको मानकर उसको उसके आधीन में रखकर तुम अच्छा से तुमको आगे बढ़ना है, कष्ट उठाना है। तिमोथियस कष्ट उठाना है, तो दूसरा तिमोथियस 4वां अध्याय में 5वां वचन में हम पढ़ सकते हैं, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, कष्ट सहन लो। यही पौलुस कहते हैं, कष्ट सहनना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा, परीक्षा आएगा विश्वास के लिए, लेकिन मुझे देखो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा उदाहरण है, तुम्हारे लिए मैं भी वचन सिखाया, कई लोग दूसरे लोगों से भी, तुम्हारा रानी जी मम्मी से भी तुम सीखा, ये सब में तुम दृढ़ता से रखना है, क्योंकि ये सब प्रभु का वचन तुम्हें ज्ञान देगा, तुम्हें ज्ञान देगा, तुम्हें सही मार्ग में चलाएगा, और इतना नहीं तुम अच्छा से बढ़ोतरी तुम्हारे जीवन में होगा। प्रभु का वचन को तुम पालन करेगा तो, जानकर पालन करेगा तो, और इतना नहीं है तुम्हारा जीवन में उन्नति होते रहेगी प्रभु का वचन को पालन करेगा तो, इतना ही नहीं है तुम्हारा द्वारा, तुम जब उस पवित्र वचन को तुम दूसरों को बताओगे, उसके द्वारा उनका जीवन में भी बढ़ोतरी होगी, वो लोग रास्ता बदलेंगे, सीधा रास्ता में चलने लगेंगे, वो लोग भी बढ़ेंगे, वो लोग के जीवन में जो जो सही नहीं है उनको अलग करने के लिए तुम सावधान चेतावनी देगा वचन के द्वारा, वो उसको वो लोग ले लेंगे तो बच जाएंगे, दूसरों के लिए भी आशीष का कारण दिन तू बनोगे करके पौलुस इधर तिमोथियस को लिखते हैं। प्रिय भाई बहनों, हमको मालूम है दुनिया में कई लोग प्रभु के बच्चे लोग बोलते हैं, लेकिन केवल बोलने के लिए ही प्रभु का बच्चा, लेकिन पूरा केवल संडे आकर चर्च में थोड़ा समय बैठकर चले जाते हैं, पूरा 7 दिन दुनिया में बागर में अविश्वासी जैसे ही जी रहे हैं। ये लोग नाम के लिए क्रिस्ती है, नाम के लिए चर्च में आना करके आते हैं, वही इसका कॉन्ट्रास्ट है। तिमोथियस को पौलुस सिखाते हैं उनके ऑपोजिट में एक झुंड उधर भी था, 3रा अध्याय में पहले से हम देखेंगे तो, पहले 2 वचन में 3 वचनों में पौलुस लिखते हैं, आखिरी दिनों में बहुत स्वभाव में बहुत खराब स्वभाव लोग रहेंगे। आजकल हम वो देख रहे हैं, इतना दुनिया में खराब स्वभाव के लोग आ गए, लेकिन पौलुस के समय में भी कोई लोग थे, वो लोग क्या किया, भक्तिभाव के समान वेश पहनते थे। 5वां वचन में वे भक्ति का वेश तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। भक्ति भाव में हम चलते हैं, वचन जो वचन सीखा उस वचन के अनुसार हम चलने वाला का 2 चीज़ मिलेगा, 2 गिफ्ट। क्या गिफ्ट है? पहले गिफ्ट है आशीष मिलेगा। भक्ति भाव में हम चलते हैं, पवित्रता में हम चलते हैं, प्रेम में चलते हैं। प्रिय भाई बहनों, आपका शरीर में तंदुरुस्ती रहेगा, आप लंबा आयु तक जी पाएंगे, विश्वास आएगा आपका जीवन में,
प्रभु से आशीष पाएंगे और आपका शरीर में भी चंगाई रहेगा, आपके द्वारा कई लोगों को आशीष मिलेगा, जगह भी आप रहेंगे प्रभु का उपस्थिति को और उनकी महिमा को आप लेके जाने वाले बनेंगे। प्रभु जगह में रहेगा वहाँ हरा भरा, प्रभु जगह में रहेगा वहाँ उजाला, उसका अंदर कोई भी अंधकार नहीं है, ऐसे व्यक्ति बन पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है भक्ति भाव, वो पहले गिफ्ट है। दूसरा गिफ्ट है क्या है, भक्ति भाव में रहने वाला का दूसरा गिफ्ट है उपद्रव, कष्ट, सत्तावनी, ये भी भक्ति भाव में हम जीने के वजह से हमारा ऊपर आता है। पहले दुनिया वालों से आता है, हमको दुनिया वाले देखते हैं, हम प्रभु का वचन के अनुसार एक एक निर्णय लेते हैं, चलते हैं, तो वो लोग को थोड़ा अलग दिखता है, ये बहन क्यों ऐसे कर रही है, ये भाई क्यों ऐसे बोल रहा है, ऐसे हमारा जैसे क्यों नहीं रह रहे हैं, इसलिए हम हमारा रूम में बात करने लगते हैं, हमको विरोध करते हैं, हमें सताने लगते हैं, ऐसे करते हैं कोई भी। और इतना नहीं है, दूसरा शैतान, शैतान और उनका सेना आत्मिक मंडल में हमको देखते रहता है। जो जो प्रभु के बच्चे लोग प्रभु का वचन को जानकर तीमुतेस जैसे अपना जीवन में पालन करना शुरू करेंगे, भक्ति भाव के साथ चलते रहेंगे, उनको शैतान का सेना भी आत्मिक मंडल में देखकर उनके विरोध में दुष्ट आत्माओं को भेजता है हमें सताने के लिए, कष्ट देने के लिए। इसलिए आत्मिक मंडल से भी हमारा विरोध होता है और दुनिया में जीने वाले लोगों से भी हमारा विरोध आता है, सतावनी आता है। ये लेकिन तीसरा अध्याय में जो पांचवा वचन में भक्ति का वेश पहन के उनका शक्ति को माने नहीं मानने वाला लोग क्या है, ये वो लोग के जीवन में दोनों नहीं मिलेगा। प्रभु का वचन को पालन करने के द्वारा जो जो आशीष के दुनिया में वो भी नहीं मिलेगा, प्रभु का भक्तिभाव में चलने के द्वारा उनके द्वारा जो प्रभाव शक्ति जो प्रकट हो रहा है उसके वजह से सत्तावनी वो भी नहीं मिलेगा, वो लोग दोनों नहीं मिलेगा। अब इधर देखिए, इधर कोई झुंड है, इसलिए तीमुतेस इसको लिखते हैं पौलुस, तुम सावधान रहो, ऐसे कोई झुंड है, वो लोग कोई बहन लो, बहन लो कई साल से वचन सीख लिया फिर भी वो लोग कभी भी उसको अपना जीवन में पालन नहीं करते, हमेशा वचन को सुनते हैं लेकिन पालन नहीं करते, उसको अन्य चीज़ करके हमारा इसका ताल्लुक क्या है, ऐसे ही चर्च में आकर बैठ के सुनेंगे, फिर ऐसे एक कान से दूसरा कान में से छोड़कर ऐसे घर जाने का समय में काली जाएंगे, ऐसे लोगों को जीवन में क्या होगा, वो लोग पाप करते रहेंगे। दुर्बल स्त्री, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग पाप करते रहेंगे और कुछ ना कुछ कुछ लालसाओं में डूबे हुए रहेंगे, जैसे एक सुअर दल दल का खींच में रग कर ऐसे ही मजा ले रहा है, वैसे वो लोग रहेंगे। और क्यों वो लोग ऐसे रहते हैं, क्योंकि उनको भक्ति का वेश पहने हुए हैं लेकिन वचन को पालन नहीं करते हैं, इसलिए उनका जीवन में पाप का ऊपर विजय नहीं, बीमारी के ऊपर विजय नहीं, कोई जीवन जीवन नहीं है, पवित्र जीवन नहीं है, और कहीं कंफ्यूशन गड़बड़ी सब है, सब शैतान का स्वभाव सब उनका अंदर प्रकट होता है। क्योंकि और उनके बारे में बता रहे हैं ना, देखो आठवां वचन में पौलुस लिखते हैं, आठवां वचन में क्या लिखता है, जैसे उसका पीछे भाग में वो लोग क्या करते हैं, सत्य का विरोध करते हैं, ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। इसरा ऐसे लिखा, विश्वास के विषय में निकम्मे करके लिखा है, इधर हमारा भाषा में लिखा है विश्वास के विषय में परीक्षा के लिए कड़े नहीं हो पाते हैं। परीक्षा को, परीक्षा नहीं चाहिए, कष्ट नहीं चाहिए। प्रिय भाई बहनों, आजकल हमको मालूम, आपको मालूम है अमेरिका जैसे देश में वोक किस्म बोलते हैं, वोक किस्म का मतलब क्या है, वोक किस्म का मतलब क्या है, कोई भी कुछ भी किसी को जबरदस्त नहीं करना है,
कोई भी किसी को कुछ बोलना नहीं है। मोटा है तो मोटा नहीं बोलना है, बदसूरत है तो बदसूरत नहीं बोलना है, कोई अंगहीन है तो अंगहीन नहीं बोलना है। औरत को बेचारी ये लेडी औरत करके नहीं बोलना है। ऐसे अलग अलग जो भी बोलना है, सच में जो भी है उसको भी बोल नहीं पाएंगे, तुरंत वो लोग उठ जाएंगे, विरोध करने के लिए उठ जाएंगे। जो जो बोलते हैं सच्चाई बताते हैं उनको विरोध करने के लिए उठ जाते हैं। वोकनेस करके अभी विदेश में बहुत चलता है, उनको क्या है कोई भी कुछ नहीं बोलना है, कोई भी उनके लिए कुछ उनको बुराई बताना नहीं है, उनके जीवन में जो जो कमी घटी है बताना नहीं है, कुछ भी बताना नहीं है। यही ऐसे लोगों के बारे में इधर पर हम देखते हैं, वो लोग विश्वास के विषय के लिए परीक्षा नहीं सहन नहीं पाएंगे। मुझे परीक्षा नहीं चाहिए, मुझे सतावनी नहीं चाहिए, मैं सतावनी सहने के लिए ये नहीं हूँ। ऐसे लोगों का मन में क्या होता है, मूर्खता। इसलिए पौलुस लिखते उनका अंदर मूर्खता भरे रहता है। दुनिया में कितने पढ़े लिखे लोग भी हो, कितने डिग्री पाया है, कितने चीज़ें पाए हैं, फिर भी प्रभु का वचन को वो लोग जानकर पालन नहीं करेंगे, उनका अंदर ज्ञान नहीं रहेगा। इधर हम जो वचन पढ़ा तीसरा अध्याय में पंद्रहवा वचन देखिए, तीसरा का पंद्रहवा वचन को देखिए, उसमें क्या लिखा गया पंद्रहवा वचन में, और बचपन से वो गए बुद्धिमान, तुमको बुद्धिमान बना सकता है प्रभु का वचन, तुमको बुद्धिमान बना सकता है। लेकिन इधर देखो, अभी अभी एक उदाहरण के लिए मैं बोलती हूँ, अभी इसराइल देश में कुछ युद्ध आया है, कोई हमास करके आतंकवाद लोग आकर इसराइली लोगों के बच्चे लोगों को मार डाला, आंख फोड़ा, हाथ पैर तोड़ा, और जो गर्भवती स्त्री है उनको पूरा तलवार से मतलब चाकू से पूरा दोबा किया, बलात्कार किया, माँ लोगों को बच्चे लोगों के सामने मार डाला, कई चीज़ किया। उसके लिए इसराइल अब युद्ध कर रहा है उनके विरोध में। लेकिन दुनिया में आपको मालूम है लाखों लोग गली गली में वो लोग बहुत विरोध करके आवाज़ उठाकर बहुत हलचल कर रहे हैं। उसमें डॉक्टर्स भी है, इंजीनियर्स है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है, वो लोग क्या बोलते हैं, हमास जो आतंकवाद लोग जो किया है उसमें कुछ गलती पकड़ते ही नहीं है, जो इसराइल युद्ध करता है वही गलत करके बोलते हैं। ये मूर्खता है। दुनिया में क्यों ये मूर्खता आता है, यही पौलुस इधर लिखते हैं, तुम्हारा अंदर वचन नहीं रहेगा, वचन को पालन करने वाला तुम नहीं रहेगा, तुम्हारा अंदर ज्ञान नहीं रहेगा, ज्ञान नहीं रहेगा। तुम कितना डॉक्टर का पढ़ाई कर सकते हैं, डॉक्टर का डिग्री तुम्हारा पास हो सकता है, बड़े बड़े इंजीनियर बन सकते हो, बड़े बड़े विज्ञानी भी तुम हो सकते हो, फिर भी तुम्हारा अंदर सच्चाई ज्ञान नहीं रहेगा। देखिए ऐसे एक उदाहरण है, अभी कई चीज़ में आजकल हम देखते हैं लोगों को बुद्धि नहीं है। कारण क्या है, सच्चाई के विरोध करते हैं, सच्चाई को पालन करने के लिए जो परीक्षा आता है उसमें कड़ा रहना नहीं चाहते हैं। हमें परीक्षा नहीं चाहिए, कोई हमको कुछ नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना है, तुरंत उठ जाएंगे झगड़ा करने के लिए। ये सब हो रहेगा तो कैसे उनका अंदर ज्ञान आएगा। बोलो पवित्र वचन के द्वारा ज्ञान नहीं है। हम नीति वचन में देखते हैं, नीति वचन में पवित्र शास्त्र कहता है ज्ञान गली गली में कोने कोने में खड़े रह कर चिल्लाती है, आओ मेरे पास, लंबी आयु है, आदर है, धन संपत्ति है, सब कुछ है, धर्मिकता है, जो जो आशीष चाहिए अच्छे सब मेरे पास है, तुम आओ करके पुकारती है करके नीति वचन में हम पढ़ते हैं। वो कौन है, परमेश्वर है, परमेश्वर बुलाते हैं, मेरा वचन को पालन करो, सुनो। कितनी बार सुनेंगे तो भी अपना जीवन में मेरे जीवन में लाभ नहीं करना है करके ऐसे जाएंगे, उसमें कुछ फायदा नहीं है। मूर्ख से ही हम मूर्खता से रहेंगे, हमारा कुछ उन्नति नहीं रहेगा, पाप में डूबे हुए रहेंगे, कहीं लालसाओं से भरे हुए रहेंगे, और बोलेंगे हम भक्तिभाव में हम हैं, हम भक्तिभाव का जीवन हम कर रहे हैं करके, अब बोलने के लिए केवल बोलने के लिए ही है, कुछ नहीं है। यही पौलुस लिखते हैं, एन एम्ब्रे जो
दो वो लोग काला मैजिक करने वाले, मैजिक वाला मंत्र तंत्र करने वाले, बड़े मंत्र तंत्र करने में बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति दो वो लोग फिरौन को, फिरौन के साथ थे। जब मूसा जाकर बोल रहा है प्रभु का वचन को, इसराइल का परमेश्वर कहते हैं मेरा जनता को छोड़ो, मुझे आराधना करने के लिए छोड़ो। ये प्रभु का वचन है, सच्चाई है, क्योंकि इसराइली लोग मिस्र लोग नहीं है। वो लोग कुछ अकाल पड़ गया कानान देश में, इसलिए यूसुफ के समय में वो लोग आए खाने के लिए, आए खाना होना नहीं है मिल रहा उधर करके, फिर कई साल 400 साल रह चुके थे। लेकिन अभी वो लोग जाना चाहते हैं तो छोड़ना चाहिए, लेकिन ये लोग अंदर क्या आ गए, पूरा आलसी हो गए हैं। इसराइल लोग अच्छा से गुलाम बनकर अच्छा से उनको सब कुछ करके दिया, उनके लिए कई शगरों को बनाया। पूरा 400 वर्ष इसराइल लोग दो अन्य देश वाला को अपना नौकर बनाया, सब बना के रखे थे। अभी छोड़ने के लिए मन नहीं है, छोड़ने के लिए मन नहीं है। लेकिन प्रभु का सच्चाई क्या है, इसराइल लोग को वायदा किया हुआ कानान देश को, कानान देश में वो लोग रखना है। मूसा वही कहता है। तब वो दोनों तंत्रिक लोग बोलते हैं, तंत्र मंत्र करने वाले, नहीं भेजेंगे, नहीं छोड़ेंगे, छोड़ो करके प्रभु बोलता है, नहीं छोड़ेंगे। वो लोग मूर्ख बन गए हैं। 10 प्लेग इतना उधर इतना कष्ट मिस्र देश वालों को मिला। लास्ट में 10वां पायलौटा का जानवर का और मनुष्य लोगों का पायलौटा का मेल मतलब नर मर गए। उसके बाद में वो लोग को पता चला हम मूर्खता में हैं, हम इनके ऊपर विजय नहीं पा सकते हैं, फिर छोड़ दिया। मूर्खता प्रकट होने के लिए दिन लगेगा। अभी भी कई लोग हम बहुत ज्ञानी करके परमेश्वर के विरोध में कितना पुस्तक लिखते हैं, बड़ा बड़ा पुस्तक लिखते हैं अपना ज्ञान में, शैतान की ज्ञान से भर कर। लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर का ज्ञान पाए हुए प्रभु के बच्चे लोग जो भक्तिभाव में चल रहे थे, उसके लिए जो 57 आया वचन पालन करने के द्वारा उसको सघन करते उसमें चल रहे थे, उनका उधर उनका प्रकट होगा। एक दिन आने वाला है प्रभु का आगमन में, सब लोग जानेंगे। इतना बड़ा बड़ा पुस्तक प्रभु का विरोध में ज्ञान के नाम में लिखे हुए लोग लज्जित हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए सचमुच में ज्ञान नहीं है। आप अनपढ़ हो सकता है, आपको पढ़ना लिखना नहीं आता होगा, फिर भी जो वचन कलीसिया में सुनाया जाता है, यूट्यूब में जो आप सुनते हो अच्छा वचन, उनको पालन करने वाला बनिए। आपका अंदर ज्ञान रहेगा, दुनिया में कैसे जीना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, कौन सा रास्ता अच्छा है, कौन सा चीज़ पाप है, कौन सा चीज़ पवित्र चीज़ है, ये सब का ज्ञान आपको प्रभु का वचन के द्वारा मिलते रहेगा। आप अनपढ़ गए तो भी, अब एक दिन भी स्कूल नहीं गए तो भी, उस आपका ज्ञान अंदर जो होगा ज्ञान, वो जो बड़े बड़े विज्ञानी लोगों का अंदर जो ज्ञान है उससे बढ़कर होगा। प्रभु की नजरिया में वही है, इसलिए पौलुस लिखते हैं तुम क्या करो तिमोथेस, अच्छा से वचन जाना हुआ है, मुझे भी देखो, मैं भक्तिभाव में जी रहा हूँ, वचन को पालन कर रहा हूँ, इसके द्वारा बहुत 57 आता है, उसको भी एक नमूना के रूप में देखो। तुमको भी 57 आएगा, तुमको भी कष्ट उठाना पड़ेगा, फिर भी कष्ट उठाओ, ज्ञानवान बन जाओ, तुम भी बढ़ते जाओ, दूसरों को भी प्रभु का वचन को सिखाते उनको भी बढ़ोती में लेके आओ। यही पौलुस का बताना है, हमको भी यही है, हम भी ले लेंगे तिमोथियुस को जो सलाह दिया पौलुस, हम भी लेकर आगे बढ़ेंगे। प्रभु आपको आशीष करें, आमेन।